चलिए तो देखिए, इसमें हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं। अब ये जो आपका 10th क्लास का चैप्टर है आप लोगों का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें हम लोग ये स्टडी करेंगे कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास, तो उसके अंदर क्या होगा, जो मैग्नेटिक बिहेवियर आ रहा है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे कैसे हम उसको रिलेट कराएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को थोड़ा यहाँ पर सोचना पड़ेगा, तो कैसे कैसे हम उसको कर रहे हैं और किस तरह से हम उसके बारे में डील करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट की अगर हम बात करें, तो ये जो हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर, और क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट की वजह से जो उसके पास मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, अगर हमें मैग्नेटिक इफेक्ट में जाने से पहले हम ये समझना चाहेंगे कि मैग्नेट क्या होती है, तो देखिए क्या कह रहे हैं, इट इज़ द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट द मैटर टूवर्ड्स इट, दैट इज आयरन निकिल कोबाल्ट स्टील। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेट। दूसरी बात क्या है, ठीक है, इट इज दी क्या है, इट इज दी ओर ऑफ आयरन ऑक्साइड दैट इज Fe3O4। क्या है ये Fe3O4, इसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटाइट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, मैग्नेटाइट। ठीक है, दूसरा क्या है, इट इज दी फर्स्टली फाउंड एट दी मैग्नीशिया इन ग्रीस। कहाँ पे मिला था ये हमें, टापू टाइप का है बहुत बड़ा, तो उस पर मैग्नीशिया है जो ग्रीस में है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेट। दूसरा, इट हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जाहिर सी बात है, अगर हम बार मैग्नेट बनाएं इस तरह से, तो हमारे पास नॉर्थ पोल होता है और इसमें साउथ पोल होता है। अगर हम बीच से इसको तोड़ भी दें तब भी क्या रहेगा, तब भी ये नॉर्थ और साउथ को ही प्रोड्यूस करेगा, यानी ये कभी भी क्या करता है, मोनोपोलिक नहीं रहेगा, दिस इज ऑलवेज बी डाइपोलिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो क्या कह रहे हैं, इट इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच दे एग्जर्ट द फोर्स ऑन द अदर मैग्नेट या किसी भी अदर चीज पे, यानी हमारे चारों तरफ जो मैग्नेट है, हमारी जो मैग्नेट है वो चारों तरफ कितनी दूर में अपना इन्फ्लुएंस दे रही है। मतलब ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास ये एक मैग्नेट है यहाँ पर, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ प्लेस कर दें तो ये अपनी तरफ इसको अगर खींच रही है या अपने से दूर भगा रही है, तो हम बोलेंगे कि ये इसका एक मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। क्लियर है बात, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो क्या है, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड को हम पिक्चरलाइज कैसे करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज कर्व्ड और स्ट्रेट, कैसी हो सकती है ये, या तो कर्व्ड होंगी या फिर स्ट्रेट होंगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज द ट्रेस्ड पाथ बाई मूविंग हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल ऑफ कंपास। कंपास का जो नॉर्थ पोल होता है वो हाइपोथेटिकल होता है, उसके मूवमेंट से हम लोग क्या पता करते हैं, ये पता करते हैं कि हमारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे मूव कर रही है। क्लियर, अच्छा दूसरी बात याद रखिएगा, मैग्नेटिक लाइन का जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था, माइकल फैराडे ने। किसने दिया है हमें, माइकल फैराडे, इसी ने प्रपोज किया था कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट जो था वो किसने दिया था, माइकल फैराडे। डन, आइए देखिए और, यस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहे हैं, दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द नॉर्थ एंड एंटर एट द साउथ, यानी ये क्या होता है कि हमारे नॉर्थ पोल से इमर्ज होती हैं और साउथ पोल पे क्या होती हैं, एंटर करती हैं, यानी यहाँ से ये बाहर आती हैं इस तरह से, ये देखो इस तरह से आती हैं, आप लोग जानते हैं, और ऐसे अंडर एंट्री लेती हैं। ठीक, तो आउटसाइड द मैग्नेट क्या होता है, लाइन शुड बी साउथ टू नॉर्थ, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ काम करता है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये इसमें अंदर की तरफ आएगा, यानी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर किधर चलती हैं, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, देखो ये एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है समझना, अगर हमारी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे एक दूसरे को कट कर लेती हैं, ये देखिए, तो या इस वाले पॉइंट पे हमारे पास कितने टेंजेंट बन जाएंगे, एक और एक दो, यानी इस पे दो टेंजेंट आ जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या करेगा, मूव करेगा, और टेंजेंट ड्रॉन एट द एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है, या गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे इस पे इधर भी फोर्स है और इधर भी फोर्स है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो क्या मिलता है हमें, एक बार में एक ही होना चाहिए, इसीलिए ये क्या करेगा, क्रॉस नहीं करता। दूसरा क्या है, दे आर क्लोजर टू ईच अदर एंड ईच अदर एट पोल एंड अवे फ्रॉम ईच अदर इन
बिटवीन दैम, यानी ये कह रहा है कि अगर हम इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना भी लें नॉर्थ और साउथ, तो यहां पे क्या होती है, यहां पे एक दूसरे के बहुत क्लोज होती हैं और बीच में क्या होती हैं, थोड़ा सा दूर दूर हो जाती हैं। ये देखिए इस तरह से ये रहता है। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं ये इस तरह से, ये तो यहां पे फील्ड क्या होगा, हैवियर होगा, और यहां पे फील्ड क्या होगा, थोड़ा सा वीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप आर फॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है, क्लोज लूप बनाती है। मतलब क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो इस तरह से बनाती है। तो इनका अगर हम क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करें तो इस तरह से क्लोज लूप बनाएंगे, और इससे क्या होगा, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें पता नहीं चलता। नेक्स्ट कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मैग्नेट इज नॉर्थ टू साउथ। ये बात तो सही है कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से बाहर किधर से किधर काम करती है, नॉर्थ से साउथ। बट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेट साउथ थ्रू नॉर्थ। अब जरा ये बताओ, अगर इसको क्लोज लूप बनाना है, समझना जरा, अगर इसको क्लोज लूप बनाना है तो अगर हम बात करें, अगर इसको क्या करना है, क्लोज लूप बनाना है, तो देखिए क्या करना पड़ेगा, समझिएगा। अगर इसको क्लोज लूप बनाना है, यहां पे ये क्लोज लूप बनाना है, इसे यहां समझते हैं, ये हमारे पास है नॉर्थ और ये क्या है हमारे पास साउथ। अब ये ऐसे आया, ठीक है, ऐसे चल के गया। अब इसे क्लोज बनाना है तो ऐसे आना पड़ेगा कि नहीं, इसीलिए मैग्नेट अंदर की तरफ क्या बनाती है, साउथ से नॉर्थ पोल बनाती है। नेक्स्ट कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मैग्नेट इज नॉन यूनिफॉर्म एंड इनसाइड इट इज यूनिफॉर्म। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है दे आर पैरेलल इनसाइड द मैग्नेट, क्या होती है, पैरेलल होती है, इक्वली स्पेस्ड भी होंगे, लेकिन आउटसाइड में क्या होती है, ऐसे होती है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई पैरेलल फील्ड लाइंस एंड इक्वली स्पेस्ड। और क्या होनी चाहिए, इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पैरेलल तो होंगी लेकिन और क्या होंगी, इक्वली स्पेस्ड भी होनी चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंटेड बाई नॉन पैरेलल लाइंस, यानी अगर इस तरह से हो रही है, ये देखिए, ये तो दीज आर कॉल्ड नॉन पैरेलल नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या, जितना फील्ड लाइन एक दूसरे के करीब होती है, ये देखिए, अगर जितना फील्ड लाइन एक दूसरे के करीब हो तो यहां पे फील्ड क्या स्ट्रांग कैसा बनेगा, स्ट्रांग, और यहां पे क्या बनेगा, वीक। तो जितना फील्ड स्ट्रांग होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी एक दूसरे के बहुत ही क्या होंगी, क्लोजली स्पेस्ड होंगी। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहे हैं, ये बात समझ में आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या होता है टेस्ला, जो आपका टेस्ला था उसके नाम पे, इन शॉर्ट इसको हम क्या लिखते हैं, टी। डन, चलिए आगे बढ़े और देखिए। ये थोड़ा सा और समझिए, देखिए क्या कह रहे हैं, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10^4 गॉस। इस गॉस को याद रखिएगा, गॉस जो होता है, गॉस इज CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, CGS यूनिट होगा। ठीक है, इट इज द CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और आगे आइए देखिए क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फर्स्टली ऑब्जर्व बाई ऑरिस्टिड। किसने ऑब्जर्व किया था, ऑरिस्टिड ने किया था। यानी उसने ये बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिज्म में क्या होता है, कोई रिलेशन होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े, आइए देखिए। अब ये चीज है हमारे पास मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। देखिए, हमारे पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं उनका एक मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होगा, और उसको हम कैसे पता करेंगे, किधर से किधर काम करें। तो क्या कह रहे हैं, दिस रूल यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसके लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पता करने के लिए। कैसे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड राइट हैंड रूल एज वेल एज स्क्रू रूल। ठीक है, स्क्रू रूल भी कहते हैं। अर्थ ऑल्सो अ ह्यूज मैग्नेट ड्यू टू मोल्टेन स्टेट ऑफ मेटल इन इट्स कोर। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं कि नहीं, तो ये चीज भी हमें समझ में आना चाहिए। द एंगल बिटवीन द मैग्नेट एंड, अबे एक मिनट समझते हैं पहले इसको, मैक्सवेल को अगर हम समझें, तो अगर मैक्सवेल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर अगर इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है, देन हाउ वी कैन फॉर्म इट। तो हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड को इस तरह से रखेंगे और इसमें अपने करंट कंडक्टर को ऐसे अज्यूम करेंगे, और हमारा थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए, और हम इसको कर्ल करेंगे, तो हमारी फिंगर जो कर्ल हो रही है वो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं, तो हमारी फील्ड लाइन कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ये देखो ऐसे चल रही है। तो अगर हमारी फील्ड लाइन ऐसे चल रही है, ये देखिए, तो कैसा बन रहा है,
एंटी क्लॉकवाइज. कैसा बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज. और इसकी बात करें तो क्या बनेगा, ये देखो, तो ये क्या बनाएगा बताओ? तो इसमें अगर हम इसमें ऐसे बात करेंगे तो ये क्या बनाएगा? क्लॉकवाइज. क्या बनाएगा? क्लॉकवाइज. ये कैसा बनता है? एंटी क्लॉकवाइज. और ये क्या बनेगा? क्लॉकवाइज. क्लियर? अब देखो, मैग्नेट अर्थ की अगर हम बात करें तो हमारी जो अर्थ होती है वो एक्चुअल में इस तरह से होगी, और हमारा ये क्या हो गया, नॉर्थ साउथ पोल हो गया मैग्नेटिक का. ये नॉर्थ पोल मान लेते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और ये ज्योग्राफिकल साउथ, ठीक है. और इसका इक्वेटर भी होगा, ये हमारा इक्वेटर हो गया. ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ होता है, ठीक है. मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ होगा. तो ये दोनों जो होते हैं दे विल बी इंक्लाइंड सम एंगल, दैट इज सम लाइक 15 डिग्री, ठीक है. नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू डिफरेंट शेप ऑफ कंडक्टर, ठीक है. अब देखो, अब हमें ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न डिफरेंट शेप ऑफ कंडक्टर कैसे होता है. जैसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस कंसेंट्रिक सर्कल, यानी इस तरह से बनाएगा. सेंटर कहां पे होगा बताओ? सेंटर उसका होगा वायर पे. सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस एज शोन. देखो सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे बनाता है, ये तो दिस इज द फील्ड पैटर्न ऑफ योर सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर. कहां है ये? तो ये वाला जो होता है ये हमारा सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो हमारा ये ध्यान रखना है. तो ये किस तरह के लिए, कि अगर हमारे पास ऐसे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है इस तरह से, और उसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, उसका फील्ड पैटर्न कैसा बनेगा? इस तरह से. और तुम्हें ये भी ध्यान रखना है ये कहां पे होगा? एट सेंटर. कहां पे होगा बताओ? एट सेंटर. ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, बहुत ही स्ट्रांग फील्ड बनता है. सोलेनोइड प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न एज द मैग्नेट, एज द बार मैग्नेट. The sure test to ensure a substance is magnet or not is repulsion. किससे पता चलता है हमें? Repulsion से. तो solenoid की अगर हम बात करें तो solenoid हमारे पास कैसा होगा? ऐसा होता है. और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? इस तरह से लगा देंगे. तो ये क्या बोलते हैं? एयर कोड बन जाएगा. तो अंदर जो होता है वो magnetic field कैसा होता है? Uniform होगा. लेकिन बाहर कैसा आएगा? बाहर हमारा इस तरह से आएगा. ये देखिए, इस तरह से आएगा, नॉन यूनिफॉर्म. तो टोटली क्या होगा? टोटली हमारे पास क्या रहेगा? टोटली जो होगा हमारे पास वो होगा बिल्कुल बार मैग्नेट का जो फील्ड पे होता है वो हमारा कैसा होगा? एकदम बिल्कुल किस तरह से होता है? जैसे कि हमारे पास एक सोलेनोइड है, ठीक, वो बार मैग्नेट, ठीक है. शॉर्ट है, समझ में आया? अब देखो, अगर इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस करें, देखिए, अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालें, जैसे पहला स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, समझते रहना. अगर ये मेरा करंट है आई, और मैं यहां से परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस की दूरी पर फील्ड तुमसे पूछता हूं कि यहां पे फील्ड बताओ कितना होगा, तो एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2πr. क्या होगा? 2πr. तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेट करंट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1πr होगा. क्या होगा? 1πr. और अगर हम ये बोलें, ये बात समझ में आ गया, अगर हम सर्कुलर की वजह से बोलें, किसकी वजह से? दूसरा अगर हम बात करें सर्कुलर, तो अगर हम सर्कुलर की वजह से बोल रहे हैं, सर्कुलर, तो सर्कुलर का होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, वेयर r इज द रेडियस, r इज द रेडियस. आगे बढ़ें, आइए देखिए. और अब अगर हम सोलेनोइड की बात करें कि ये हमारा सोलेनोइड कैसा होगा, तो सोलेनोइड जो होगा वो ध्यान रखिएगा, सोलेनोइड का होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. यहां पे जो N है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ. समझ रहे हैं नहीं बात को? पर यूनिट लेंथ. तो ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे. अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें अगर हम बोले तुमसे तो ये सिर्फ एक टर्न के लिए है, अगर बहुत सारे टर्न होंगे, फॉर एन टर्न्स, मैं यहां लिख दे रहा हूं, फॉर एन टर्न्स, अगर एन टर्न्स की बात करेंगे तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r. डन. ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है. तो इस तरह से चीजों को थोड़ा क्लियरली हमें समझना पड़ता है, ठीक है. ये बात समझ में आ रही है? आइए देखिए, तो सोलेनोइड समझ में आ गया. अच्छा, अब देखिए इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को, हमारे पास है इलेक्ट्रिक मोटर. तो अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो एक ऐसी चीज होती है जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी. किसमें कन्वर्ट करेगी? मैकेनिकल एनर्जी.
तो इलेक्ट्रिक मोटर इट इज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी. आगे क्या कह रहा है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ए मैकेनिकल फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इफ वायर इज मूवेबल देन इट मूव. यानी ये माइकल फैराडे ने बोला था कि अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर एक फोर्स लगती है और अगर वो कैपेबल है कि वो मूव करे तो वो भागने लगेगा. दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक मोटर. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल गिविंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं, मोटर रूल के नाम से भी जाना जाएगा. तो ये हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है. तो देखिए इसमें हम लोग क्या काम करेंगे समझना. तो अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो फोर फिंगर किसके लिए यूज होगा, फोर. फोर में क्या आता है, फील्ड आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए, सेंटर फिंगर करंट के लिए और थंब किसके लिए होगा, मोशन. अब देखो ऐसे हाथों को घुमाना थोड़ा मुश्किल होगा तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना. अगर मैं इसको ऐसे बना लूं तो ये मेरा थंब हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड पाम इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. ठीक है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं. तो क्या कह रहा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो यही वो कहता है. देखिए क्या कह रहा है, फोर फिंगर सेंटर फिंगर एंड थंब, थंब आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन सच अ वे. ठीक है, इस तरह से रखेंगे कि एक दूसरे के क्या रहे हैं, वो परपेंडिकुलर रहे. ठीक है, तो ये चीज है हमारे पास. अब देखो अगर हम इसमें बात करें कि अगर हम इसको निकालना चाहें तो कैसे हम निकालेंगे, तो देखिए अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर हमने रख रखा है, मान लीजिए कि ये, अच्छा मैं तुम्हें दो तीन बातें और बता देता हूं. देखो अगर ये चीज ऐसे बनी हुई है कहीं पर तो ये इनटू होता है यानी इनसाइड, और परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, इनसाइड. और अगर ऐसे बना हुआ है ऐसे, तो इसका मतलब होता है आउटसाइड. क्या होता है, आउटसाइड यानी आउट फ्रॉम द पेज. अब जरा ध्यान से सुनना कि अगर मेरे पास ये फील्ड है, ये देखो ये क्या है मेरे पास, फील्ड. ठीक है, ये फील्ड है मेरे पास और मेरा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो ऐसे रखा हुआ है. ये फील्ड हो गया मेरा और करंट कैरिंग कंडक्टर यहां पे ऐसे करंट फ्लो करा रहा है, तो बताइए इस पे किधर की तरफ फोर्स लगेगा. तो अगर हम इसकी बात करें तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, तो देखो ये क्या हो गया हमारा, करंट की तरफ होना चाहिए. तो देखो ये हमने करंट की तरफ कर दिया, फिंगर किधर होनी चाहिए, पाम करंट की तरफ हो गया, फिंगर किधर होनी चाहिए, बाहर की तरफ, तो हमने बाहर कर दिया. तो बताइए इस कंडक्टर पर किधर फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ. तो किधर लग रहा होगा फोर्स, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा. अब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स किधर लगता है, कितना लगता है, अगर हम इसकी बात करें तो अगर मेरे पास ये फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड है और यहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका आई है और इसकी लेंथ जो है करंट कैरिंग कंडक्टर की वो एल है, तो बताइए इसे फोर्स कितना काम कर रहा होगा. तो अगर हम इसमें फोर्स निकालें तो ये हमारा होता है, ध्यान रखिएगा, बी आई एल. क्या होता है बताओ, एफ इज इक्वल टू बिल, बी आई एल. ठीक है, इतना फोर्स इस पे काम करेगा. डन, चलिए अब आगे आए. देखिए नेक्स्ट चीज है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है कि हमें हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करना होगा विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेट. ठीक है, अब इसमें फैराडे ने, आपके माइकल जो फैराडे है उसने जो है कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे. तो क्या कह रहे हैं, द प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ वायर रोटेट इन अ मैग्नेटिक इन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर. ठीक है, और ये किसने कहा था, इट इज फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय फैराडे. किसने ऑब्जर्व किया था, फैराडे ने. अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं. अगर हम फैराडे की बात करें, यानी फैराडे अगर हम बात कर रहे हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट वायर, तो देखो इसमें कई तरह से हम ईएमआई कर सकते हैं. तो ईएमआई जो होता है हमारे पास, ईएमआई, तो ईएमआई कैसे करते हैं, पहला क्या करेंगे हम लोग, रोटेट वायर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम वायर को क्या कर सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं, उससे करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा. दूसरा क्या होता है हम लोगों के पास, दूसरा क्या होगा बताओ, तो दूसरा हमारे पास होगा, इसमें दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा होता है वायर इज स्टेशनरी, वायर इज स्टेशनरी बट मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड इज, क्या होगा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटिंग, कैसा होना चाहिए, रोटेटिंग, ठीक है। और तीसरा होता है, तीसरा हमारे पास क्या होगा, तीसरा तरीका होता है कि किसी एक कॉइल में हम करंट को चेंज करें, उसकी वजह से नेबरिंग कॉइल के अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। तो क्या लिख सकते हैं, बाई चेंजिंग करंट, बाई चेंजिंग करंट इन अ कॉइल टू इंड्यूस्ड करंट इन नियर कॉइल। ऐसा हम किसमें करते हैं, याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर में। किसमें करेंगे बताओ, ट्रांसफार्मर में हम इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। और दूसरी बात याद रखिएगा, ईएमआई पे जो काम करता है वो आपका कौन होता है, वायर। अच्छा, ईएमआई के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन की अगर हम बात करें ईएमआई के लिए, तो याद रखिएगा ये जरूरी होता है क्या, रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच में क्या जरूरी है, रिलेटिव मोशन का होना, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, आपका ये कभी भी इंड्यूस्ड ईएमआई यानी ईएमआई आपका प्रोड्यूस नहीं होगा। दूसरी बात याद रखिएगा, इन ईएमआई ऑल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस। कौन सा करंट प्रोड्यूस होता है बताओ, ऑल्टरनेटिंग, यानी वो अपने डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करता रहता है, पोलरिटी फिक्स नहीं रखेगा। वो पढ़ेंगे हम लोग एसीडीसी में अभी आगे। चलिए अब देखो क्या है नेक्स्ट इसमें, अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक डायनेमो। तो देखो इलेक्ट्रिक डायनेमो क्या होता है, क्या कह रहा है, इट इज इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो जनरेटर होता है, तो जनरेटर होता है, लेकिन डायनेमो का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल रेटिंग वैल्यू, क्या 15-20 वोल्ट या अप टू 100 वॉट। अगर उससे ऊपर जा रहे हैं तब हम उसको क्या कहने लगते हैं, जनरेटर, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, इट वर्क ऑन ईएमआई, ये इंपॉर्टेंट है। तो जनरेटर जो होता है हमारा वो किस पे काम करता है, ईएमआई, या डायनेमो किस पे काम करती है, ईएमआई पे, ठीक है। अब आइए देखिए, द फादर ऑफ डायनेमो इज फैराडे, ये इंपॉर्टेंट है। एमयू इस सवाल को पूछ चुका है कि आपके ईएमआई का जो जो डायनेमो है उसका फादर कौन है, या डायनेमो सबसे पहले किसने बताया था। तो अगर कभी भी इलेक्ट्रिक मशीन के बारे में आए, पूछे आपसे कि हु इज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन, तो क्या याद रखेंगे आप लोग, माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे वो है जिसने मशीनों को बनाना शुरू किया था। अब देखिए इसमें क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक डायनेमो। तो इलेक्ट्रिक डायनेमो की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक डायनेमो क्या होता है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, तो देखो क्या है, तो इसके अंदर हमारे पास दो तरह के डायनेमो होते हैं, एसी डायनेमो और डीसी डायनेमो। तो क्या कर रहा है, इट प्रोड्यूसेस एसी करंट, इट इज कॉल्ड अल्टरनेटर्स। क्या प्रोड्यूस करता है, ये एसी प्रोड्यूस करता है, और क्या करता है, अल्टरनेटर्स कहलाता है। दूसरा क्या है हमारे पास, डायनेमो, तो क्या करता है, डीसी करंट प्रोड्यूस करता है, डीसी डायनेमो, ठीक है। अब देखिए इसमें और क्या है हमारे पास, हाँ, एसी और डीसी में ये फर्क होता है कि हम एसी डायनेमो में यूज करते हैं स्लिप रिंग। क्या यूज करेंगे बोलो, स्लिप रिंग, जो क्या करेगी, इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, आफ्टर हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज, यानी हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट क्या कर लेता है, अपने आप को कॉइल के अंदर चेंज कर लेगा। ये ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी की आपकी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में उसमें न्यूमेरिकल, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। क्या कह रहा है, इन ह्यूज डायनेमो मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटिंग एंड आर्मेचर इज स्टेशनरी। देखो जो बहुत बड़े बड़े डायनेमो होते हैं, तुम्हारे जनरेटर होते हैं, उनके अंदर हम कॉइल को रोटेटिंग नहीं बनाते, क्योंकि कॉइल को अगर आपने रोटेटिंग बनाया तो उसका एमआई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया या इनहेरेंट द प्रॉपर्टी ऑफ रेस्टिंग रिमेन एट रेस्ट यानी उसका मास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप उसको घुमाना भी चाहेंगे तो उसको घुमा पाना मुश्किल होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन ह्यूज डायनेमो मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटिंग, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, जब जो अगर कोई चीज भारी है तो उसको घुमा पाना मुश्किल है, तो इसलिए हम आर्मेचर को क्या कर देंगे, स्टेशनरी, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हो, ओके। अब क्या है देखो, आगे पढ़ते हैं, इट इज स्मॉल डायनेमो मैग्नेटिक फील्ड इज स्टेशनरी एंड आर्मेचर इज रोटेटिंग। अगर छोटे डायनेमो है
तो उसके अंदर क्या होगा कि आपकी जो बॉल मतलब जो मोशन है उसमें क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को स्टेशनरी कर देंगे और आर्मेचर को रोटेटिंग, स्मॉल रोटेटिंग वाला। अब देखिए आगे क्या है हमारे पास, इसमें क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है नेसेसरी कंडीशन फॉर ईएमआई, ये मैं बता चुका हूं आपको, नेसेसरी कंडीशन फॉर ईएमआई इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड आर्मेचर ऑफ, अदरवाइज ईएमआई इज नॉट प्रोड्यूस। ठीक है, ईएमआई कैन बी प्रोड्यूसेस। अब देखो ईएमआई कैसे प्रोड्यूस करा सकते हैं आप, क्या कह रहा है, आर्मेचर इज रोटेटिंग फील्ड इज स्टेशनरी, आर्मेचर को रोटेट कर रही है फील्ड स्टेशनरी रखिए, फील्ड इज रोटेटिंग आर्मेचर इज स्टेशनरी, ये भी सही है, बाय चेंजिंग वैल्यू ऑफ करंट इन वन कॉइल एंड अदर कॉइल इज नियर प्लेस्ड इट, उसके बराबर में रखिए तो आपको ये मिल जाएगा। अब आइए देखिए इसमें और क्या है, ओके टाइप्स ऑफ करंट, तो देखो हमारे पास पहला कौन सा करंट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, डीसी करंट। तो क्या कह रहा है, द करंट हुज वैल्यू रिमेन कॉन्स्टेंट विद टाइम, तो अगर हम इसका आइडियल ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा, तो ये हमारा आई हो गया और ये हमारा टी हो गया और ये इस तरह से हमें मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, देखो इट हैज जीरो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इट्स पोलरिटी इज फिक्स्ड, पोलरिटी फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस फिक्स होते हैं और क्या है, यूनि डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऑल्टरनेटिंग की अगर हम बात करें, विच वन इज मोर डेंजरस, ये भी पूछता है, ठीक है अभी देखते हैं उसको, क्या कह रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट, तो एसी द वैल्यू ऑफ करंट एम्पलीट्यूड इज चेंज विद टाइम, यानी एक ऐसा करंट जिसकी वैल्यू एम्पलीट्यूड सब क्या हो रहा हो, टाइम के साथ चेंज होता हो, तो ये हमारे पास क्या है, एसी करंट, और ये क्या हमारे पास टाइम, तो ये आपका पीक वैल्यू है और ये भी आपका क्या कहलाएगा, पीक वैल्यू। अब इसका अगर टाइम पीरियड की बात करें, इन इंडिया टाइम पीरियड जो होता है इन इंडिया में वो अबाउट जो है वो 20 मिली सेकेंड है, कितना है बोलो, 20 मिली सेकेंड, लेकिन हमारी जो आँख का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 65 मिली सेकेंड, तो कभी भी हमें बल्ब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, बल्ब बुझेगा और जलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होने से क्या होगा, ये हमें जलता और बुझता हुआ नज़र नहीं आता, क्यों, क्योंकि हमारी आँख की जो लिमिटेशन है बहुत ही कम है, यानी अगर 65 मिली सेकेंड में कोई चीज़ जलती है या बुझती है तभी हमें वो जलती बुझती नज़र आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, ओके और कैसा होता है, इट इज बाई डायरेक्शनल, कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल, इट्स पोलरिटी इज नॉट फिक्स्ड, पोलरिटी क्या नहीं होती इसकी बताओ, फिक्स नहीं होगी, वो कैसी होती है, चेंजिंग होती है, कभी वही टर्मिनल प्लस होगा तो वही टर्मिनल का भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया तुम्हें, इसमें क्या करना था हम लोगों को, ये होता है, इसमें हम एक और चीज यूज करते हैं कम्यूटेटर, क्या यूज करेंगे हम इसमें, कम्यूटेटर किसके लिए, टू चेंज द डायरेक्शन इन करंट, उसको हम लोग स्प्लिट रिंग भी कहते हैं कभी कभी, क्या बोलेंगे बताओ, स्प्लिट रिंग, क्या पढ़ते हैं, स्प्लिट रिंग का नाम से भी हम इसको जानते हैं। चलिए आइए देखिए और, तो हम इसमें बात कर रहे थे, तो क्या है, इट इज बाई डायरेक्शनल करंट होता है, इट्स पोलरिटी इज नॉट फिक्स्ड, फ्रीक्वेंसी इन इंडिया कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, और एसी वोल्टेज जो होता है, एसी वोल्टेज की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो स्टैंडर्ड है आरएमएस वैल्यू वो आपकी होती है 220 वोल्ट, लेकिन अगर हम इसी की पीक वैल्यू की बात करें, पीक जो होता है वो √2 × 220 होता है, जो लगभग हमारे पास मिलता है 311 वोल्ट। तो आप ये समझ लीजिएगा कि 220 पे अगर एसी और 220 पे अगर डीसी की बात कर रहे हैं तो एसी इज मोर डेंजरस, कितना झटका देगी तुम्हें, तो वो तुम्हें देगी 311 वोल्ट का झटका। ठीक है, चलिए लिखिए इसको, चलिए देखिए और क्या करना है, देखिए तो इसमें हमारे पास कितना होता है 220 वोल्ट इन इंडिया स्टैंडर्ड है एसी। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, आगे समझते हैं इसमें, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, यानी एसी क्या एडवांटेज रखती है डीसी के ऊपर, तो क्या है, पहला प्रोडक्शन ऑफ एसी इज मोर इजियर एंड चीप एज डीसी, यानी डीसी अगर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं और एसी तो हम इजीली कर लेते हैं, लेकिन डीसी को कर पाना थोड़ा महंगा पड़ेगा। ट्रांसमिशन ऑफ एसी इज इजी, यानी एसी का ट्रांसमिशन क्या होता है, थोड़ा सा आसान होगा। ठीक है, फिर क्या है, एसी कैन प्रोड्यूसेस एज डिजायर्ड वैल्यू, यानी अगर हम चाहते हैं कि 5 वोल्ट का मिल जाए, 10 वोल्ट का मिल जाए, 15 वोल्ट का मिल जाए, ये फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डीसी, अगर डीसी एक बार 5 वोल्ट देने लगा तो आप उससे 5 वोल्ट से कम या 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, तो डीसी की वैल्यू क्या होती है, फिक्स। अप्लायंसेज आर इजियर टू ऑपरेट,
यानी एसी पे काम करने वाली डिवाइसेस को आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एसी कैन इजीली कन्वर्टेड इनटू डीसी। ठीक है, इजीली इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ एसी एट हायर वोल्टेज लो करेंट इज रिड्यूसेस लाइन लॉसेस, यानी जो लाइन में आपके लॉसेस होंगे उनको क्या करता है, ये कम कर लेता है। ठीक है, लॉसेस को क्या करेगा, कम कर लेगा। और ये इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन भी होता है। क्या है, इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन, इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन की कंडीशन अगर आपसे पूछे तो आप बोल देना कि तो क्या होगा, हाई वोल्टेज पे हम उसको प्रोड्यूस मतलब जनरेट मतलब ट्रांसमिट करेंगे और लो करेंगे, उससे क्या होगा, उससे आपका हीट लॉस कम हो जाएगा। हीट लॉस आपने पढ़ा था H इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, आई स्क्वायर आर टी। तो जब I बहुत ही कम हो जाएगा तो हीट भी क्या हो जाएगी, बहुत तेजी से कम होगी। ठीक, आइए देखिए और, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, एसी के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी देखिए क्या है, एसी गिव अट्रैक्ट शॉक एंड डीसी गिव रिपेलिंग शॉक। ठीक है, तो एसी में क्या होता है, अट्रैक्टिंग शॉक रखता है, यानी अगर आपको एसी पकड़ रहा है तो बार बार झटके लगेंगे आपके बॉडी में। झटके क्यों लगते हैं समझना, जब आपकी बॉडी को एसी शॉक दे रही होगी तो आपकी बॉडी क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। अब समझना वाइब्रेट क्यों करेगी, जब ये अपनी वैल्यू को जीरो से पीक पे लाता है तो क्या करता है, आपकी बॉडी में झटका लगेगा, यानी आपकी बॉडी एकदम पीक पे जाएगी। अब जैसे ही पीक से फिर से वो जीरो पे आएगा तो आपकी बॉडी को क्या होगा, फिर से एक झटका लगेगा, यानी वो अपनी बॉडी को क्या करेगी, छोड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन ऐसा आप समझ रहे हैं कि ऐसा हो नहीं पाएगा, जब ऐसा नहीं होगा तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो फिर से ये निगेटिव रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, फिर इससे यहाँ। तो एक साइकिल में तुम्हें दो बार चांस मिलेगा अपनी बॉडी को हटाने के लिए। तो हमारी बॉडी का रेस्पॉन्स इतना फास्ट नहीं होगा, इसलिए हमें क्या लगेगा, वाइब्रेशन हमारी बॉडी में होने लगेंगे। ठीक है, लेकिन डीसी में वाइब्रेशन नहीं होते। एसी गिव ह्यूज सडन शॉक एंड बिकम फैटल, जाहिर सी बात है, एसी के अगर बहुत ही खतरनाक झटका देता है उससे आपके सर पे चोट आ सकती है, आप मर भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एसी फ्लो सर्फ, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एसी कहां फ्लो करती है, सरफेस ऑफ द कंडक्टर। थेफ्टिंग इज इजी है, उसको चुरा पाना बहुत आसान है, क्योंकि जब वो सरफेस ऑफ कंडक्टर पे फ्लो करेगी, ये हमारा कंडक्टर है, और अगर वो यहां पे फ्लो कर रहा है हमारा एसी, तो इसमें अगर हम कोई वायर ऐसे लगा दें तो क्या होगा, ये डाइवर्ट करके चला जाएगा, तो उसको चुराना आसान है। लेकिन क्या कह रहा है, बट डीसी फ्लो इन सेंटर ऑफ द कंडक्टर, डीसी कहां फ्लो करती है, सेंटर ऑफ कंडक्टर में, यानी डीसी हमारा जो अगर सेंटर में चल रहा है तो उसको चुरा पाना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो क्या कह रहा है, बट डीसी फ्लो इन द सेंटर ऑफ द कंडक्टर, नॉट थेफ्टिंग, यानी इसको चुराना मुश्किल होगा, चुरा ही नहीं पाएंगे आप, समझ गए। आइए देखिए और, ये देखिए इसको क्या, ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट सेफ्टी डिवाइसेस। कुछ हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं, उनको हम समझ लेते हैं। एक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्यूज, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा तुमसे, इट इज वर्क ऑन ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, इट इज कनेक्टेड इन लाइव विद सीरीज। लाइव वायर जो होता है हम उसको सीरीज में यूज करते हैं, क्योंकि लाइव वायर हमारा कितना होता है, 220 वोल्ट पे होता है। इट मेड ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम और टिन लेड अलॉय, ठीक है, किसका बनाते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम और टिन लेड का बनाते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, इट हैज प्रॉपर थिकनेस, कैसा होना चाहिए, प्रॉपर थिकनेस का होना चाहिए। दूसरी बात, करंट रेटेड होता है, यानी करंट रेटेड, यानी जब भी तुम इसे खरीदने जाओगे तो तुमसे ये पूछा जाएगा कि बताइए वो कितनी करंट का आपको चाहिए। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और किस पे डिपेंड कर रहा है, करता है, ये थिकनेस पे डिपेंड करता है, लंबाई पे नहीं। और कैसे डिपेंड करेगा करंट रीडिंग इसके, तो इसकी करंट रीडिंग डिपेंड करती है, आई इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर क्यू, कैसे डिपेंड करती है, आर की पावर क्यू, सॉरी आई स्क्वायर, ये ऐसे डिपेंड करता है। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा हम लोग इसको याद रखें, वैसे कभी पूछा तो है नहीं। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कैसे यूज करता है, इट इज वर्क ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये क्या होता है, मोर सेंसिटिव होता है। कैसा होता है, मोर सेंसिटिव। ये थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा। अब देखिए ये है हमारे पास क्लॉक रूल। क्लॉक रूल क्या होता है समझिएगा, क्लॉक रूल का मतलब ये है कि अगर हमारे जो वायर है हमारे सामने, अगर उसमें करंट क्लॉकवाइज चल रहा है, कैसे चल रहा है देखो, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो जरा ध्यान से सुनना, अगर क्लॉकवाइज ऐसे चल रहा है ऐसे देखो, तो फील्ड लाइन किधर होंगी, तो हमें इसमें यूज करना होता है कर्ल रूल। क्या यूज करना होता है, कर्ल रूल। चलो वो बाद में देख लेंगे। इसमें क्या, अगर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज तुम्हें जाता हुआ नजर आए तो तुम्हें कौन सा पोल दिखाई देगा, साउथ पोल। कौन सा पोल दिखाई देगा, साउथ पोल। और याद रखिएगा एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव एज अ मैग्नेटिक डिस्क। कैसे बिहेव करता है, एक मैग्नेटिक डिस्क की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें कैसा बनता है, नॉर्थ साउथ पोल। और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो हम कौन सा फेस फेसिंग कर रहे होंगे, करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फेसिंग साउथ पोल। फेसिंग नॉर्थ पोल, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, नॉर्थ पोल को फेस कर रहे होंगे और यहां पे क्या करते हैं हम लोग, साउथ पोल को फेस करेंगे। इसको रटने की जरूरत नहीं, मैं आगे भी समझाऊंगा कैसे हमें इसे करना होगा। आइए देखिए, देखिए समझते हैं, आइए देखिए। तो अगर हम क्लॉक फेस रूल की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, क्लॉक फेस रूल। देखिए अगर हम क्लॉक फेस रूल की बात करें देन हाउ वी कैन टेक दिस, समझिएगा। अगर देखो इसमें कर्ल रूल होता है, क्या रूल होता है, कर्ल रूल। अब देखो अगर हम कर्ल रूल की बात करें, ठीक है, तो कर्ल में क्या करेंगे और क्या होगा, तो कर्ल अगर हमारा करंट के डायरेक्शन में है, किसमें, करंट को बता रहा है, यानी ऐसे हमारी फिंगर कर्ल उसको बता रही है, तो हमारा थंब जो होगा वो क्या बताएगा, थंब। ये राइट हैंड कर्ल रूल है, राइट हैंड कर्ल रूल। तो थंब किसको बताता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड को, किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब एक और चीज समझना, अब अगर अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है तो ये किसको बताएगा, करंट को। किसको बताएगा बोलो, करंट को, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये कैसा है बताओ, ये एंटी क्लॉकवाइज, देन हाउ वी कैन मेक दिस। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो हम अपना थंब ऐसे घुमाएंगे तो ये क्या आ रहा है, बाहर की तरफ। अब ये तो अगर मैं इसको झांक के देखूंगा तो बाहर की तरफ आने का क्या मतलब है, यहां समझना। बाहर की तरफ आने का मतलब ये है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बाहर की तरफ आ रही है, तो आप कौन सा पोल फेस कर रहे हैं, नॉर्थ पोल। कौन सा पोल फेस कर रहे हैं, नॉर्थ पोल। और अगर ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज ना होकर अगर क्लॉकवाइज हो गई तब कौन सा पोल फेस करेंगे, तो देखो ये ऐसे तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इसमें अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ जा रहा है, कौन सा देखते हैं, साउथ पोल। कौन सा देखते हैं बताओ, साउथ पोल। ये बात समझ में आ गया, ओके। अब थोड़ा सा हम इसमें और आगे बढ़ते हैं, आइए देखिए। अब हमें बात करना है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो होता है, अगर हम उसकी बात करें, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अगर हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात करें तो दिस इज कॉल्ड एज जनरेटर रूल। वाई है, फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, सेंटर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट एंड थम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस तरह से हम इसको ले लेते हैं। तो क्या होता है हमारे पास, फोर फिंगर किधर रहेगी बताओ, फील्ड में रहेगी। सेंटर फिंगर किधर रहेगी बताओ, करेंट में रहेगी। वो भी कैसा, कैसा करेंट बोलो, इंड्यूस्ड करेंट। कैसा करेंट, इंड्यूस्ड करेंट। और थम किधर होगा, तो वो मोशन में होगा। थम किधर होगा हमारा, मोशन में।
मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर। और क्या कहते हैं हम इसको, इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटर रूल, जनरेटर रूल। डन, बताओ इतना समझ में आया कि नहीं, बोलिए जल्दी से। आगे बढ़े आप, चलिए आइए देखिए। अब अगर हम ऐसे बोलें कि हमारे पास ये दो कंडक्टर्स हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक, इसमें करंट I1 है और इसमें करंट I2 है और ये किसी डिस्टेंस d पे रखे हुए हैं, तो बताइए इनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। अब ध्यान से सुनना कैसे हम इसको निकालते हैं, ये चीज देखेंगे। तो अगर हम, मैं आपसे बोलूं इस वायर की वजह से फील्ड बताओ, तो अगर मैं इस तरह से रखूं और इसको अंदर बताऊं तो मैं बोलूंगा अंदर की तरफ फील्ड है। यहां पे क्या है, अंदर की तरफ फील्ड है, किसकी वजह से, B1 की वजह से। तो हम लिखेंगे B1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई d। क्या बोलेंगे हम लोग, 2 पाई d। अब ये बताओ अगर मुझे अब ये निकालना है कि करंट कितना है, फोर्स कितनी है, तो हम क्या करेंगे, बोलो जल्दी से। अगर मुझे फोर्स निकालना है तो हाउ वी कैन डू, तो मुझे यहां पे फोर्स निकालना है। अब कैसे लिखेंगे, BIL यानी F2, इस पे फोर्स कितनी है, तो हम लिखेंगे B1 I1 into L। तो हम लोग क्या लिख देंगे बताओ यहां पे, तो हम लोग लिख देंगे म्यू नॉट I1 into I2 by 2 pi d into L। और किधर लग रही होगी फोर्स, जरा ध्यान से देखना, फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, ठीक है, फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, करंट किधर है, ऊपर की तरफ, तो किधर आ रहा होगा, इधर की तरफ, यानी इस पे फोर्स किधर लगाई गई है, इधर की तरफ। इस पे किधर लगेगी, तो देखो ये फील्ड किधर बता रहा है, बाहर की तरफ, तो यहां पे फील्ड कैसा है, बाहर की तरफ, कितना B2, कितना होगा बताओ, μ2 μ0 upon I2 2 pi d। अब किधर होगा ये देखो, तो करंट ऊपर है और फील्ड बाहर है, ये तो ये भी किधर लग रहा है, इधर की तरफ, तो क्या होगा इसमें, ये भी इधर लग रहा होगा, वैल्यू सेम आएगी, तो हम क्या बोलेंगे इसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। तो अगर पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं और सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो क्या होता है उनमें, अट्रैक्शन होता है। और अगर हम इसमें बात करें कि इसमें करंट इधर जा रहा है I1 और इसमें करंट इधर जा रहा है I2, तो देखिए क्या होगा, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें इधर फील्ड कितना होगा, अंदर की तरफ, तो यहां पे फील्ड आ गया। अब किधर लग रहा होगा देखो, तो फील्ड अंदर की तरफ, करंट बाहर की तरफ, करंट नीचे की तरफ, तो ये आ गया, तो इधर की तरफ लग रहा है, यानी इस पे फोर्स किधर लग रही है, इधर की तरफ। और अगर हम इस पे बात करें तो इसकी वजह से क्या होगा देखो, अब इसकी वजह से, तो इसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो अंदर की तरफ, तो फील्ड यहां पे कैसा है, अंदर की तरफ, करंट किधर है, ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ और ये अंदर की तरफ, किधर की तरफ आ रहा है, ये इधर आ रहा है बाहर, तो इसमें क्या हो रहा होगा बताओ, रिपल्शन। क्या हो रहा होगा बोलो, रिपल्शन, क्या होगा हमारे पास, रिपल्शन। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप अट्रैक्शन और रिपल्शन के बारे में, क्लियर। चलिए आगे बढ़े और आइए देखिए, देखिए दूसरी बात, आपको एक और बात याद रखनी है, करंट ऑलवेज टेकन इन दी डायरेक्शन अपोजिट टू दी ऑलवेज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज प्रोटॉन एंड
एंड अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो इनके डायरेक्शन में हम लोग इसको चूज करते हैं। दूसरा दूसरा क्या ध्यान रखना है, करंट ऑलवेज, करंट ऑलवेज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन, या पूरा ही लिख लेते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके अपोजिट में चार्ज हमें कंसीडर करना होगा। अब समझते हैं थोड़ा सा इसके अंदर और क्या चीज होगी। देखिए तो ये बात समझ में आ गया। अब अगर हम एक एग्जांपल लें, हमने ये कहा कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है, तो बताइए किधर डिफ्रैक्ट करेंगे। फाइंड द फोर्स बताइए। तो देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, समझना, हम ये बोलेंगे कि हमारा, अब इससे फोर्स निकालना है तो कौन सा यूज करेंगे हम लोग, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का, ठीक है। तो समझना, तो ये डायरेक्शन हो गया किसका, फील्ड का। अगर हम देखें कि फील्ड हमारा हॉरिजॉन्टल ऐसा है और वायर ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो एक्चुअल में करंट किधर फ्लो कर रहा होगा, ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ करेगा हमारा फोर्स, यानी अगर हमारा ये फील्ड हो गया हमारा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और करंट की तरह ऊपर की तरफ, तो क्या आ रहा है, इनटू द पेज, यानी इसमें क्या हो रहा है, इनटू द पेज जा रहा है। यानी अगर हम ऐसे बात करें तो इसमें क्या होगा, फोर्स क्या होगी, इनटू द पेज, फोर्स किधर होगी, इनटू द पेज। तो इस तरह के सवाल हम लोग को करने को मिल सकते हैं। और देखिए और हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो ये सवाल हो गया, अब देखिए एक और ले लेते हैं कि मेरे पास यहां पे फील्ड अंदर की तरफ है दिस, और एक कंडक्टर है ये मेरे पास ऐसे, इसमें करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रहे हैं एंड दिस इज बी, तो बताइए फोर्स किधर लगेगी, तो बताइए फोर्स किधर लगेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एफ इज इक्वल टू बी आई एल। तो देखिए क्या होगा, सब परपेंडिकुलर है तो इसके डायरेक्शन में हमने ले लिया, और करंट किधर होगा, इधर की तरफ, तो किधर लगेगी, ऊपर की तरफ फोर्स आ जाएगी, किधर आ जाएगी बताओ, ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लग रही होगी, सही है। और देखिए कैसे बनाए, और भी हम ले सकते हैं कि मान लो कि ये मेरा करंट है और इधर की तरफ मेरा फील्ड है, तो बताइए इस पे फोर्स किधर लगेगी, इस कंडक्टर पे अगर अंदर ऐसे जा रहा है तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज द फील्ड एंड दिस, तो इस पे क्या लगेगी, ऊपर की तरफ, किधर लगेगी बताओ, ऊपर की तरफ फोर्स लगने लगेगी, यानी इस कंडक्टर पे किधर फोर्स लगेगी, ऊपर की तरफ, किधर लग रही होगी बताओ, ऊपर की तरफ फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये ऊपर की तरफ लग रहा है तो इस तरह से हम इसको देख पाएंगे, क्लियर है बात। चलिए अब और समझते हैं फोर्स के बारे में, तो देखिए आइए समझते हैं। तो देखिए फोर्स क्या होती है, फोर्स हम कैसे निकालेंगे किसी भी कंडक्टर पे। तो अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स हमारे पास एक्चुअल में जो होता है वो होता है बी आई एल साइन थीटा, ये है एक्चुअल फोर्स, क्या है, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। अगर बी आई एल इज इक्वल टू साइन थीटा है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आई ठीक है, आई का मतलब है
देखो ये जो कंडक्टर है हमारा, इसकी अगर हम बात करें तो अगर मान लो कि ये मेरे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है और मेरे पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मान लीजिए अगर इस तरह से है, इट विल मेक सम एंगल, ये आई हो गया मेरा और ये एल हो गया, और जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो मैं कह देता हूँ, चलो इसमें ऐसे समझते हैं, ये B है मेरे पास और ये एंगल है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारे पास, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, अगर ये थीटा, समझिए ना किसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो F क्या हो जाएगी हमारे पास, मैक्सिमम कितनी हो जाएगी बोलो, तो B I L, क्योंकि साइन 90 कितना होता है 1। दूसरा क्या है, अगर ये हमारे पास थीटा 0 डिग्री हो जाए, यानी ये करेंट कैरिंग कंडक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल हो गए तो क्या हो जाएगा, या एंटी पैरेलल हो गए तो हमारा फोर्स जो होगा वो हो जाएगा मिनिमम, और कितना हो जाएगा बताओ, ज़ीरो। कितना हो जाएगा, ज़ीरो। ये हमें थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें और आइए देखिए और क्या हमें समझना है इसमें, एक और चीज़ समझनी है आपसे, ये पूछेगा कि जो सोलेनॉइड है हमारे पास, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सोलेनॉइड। तो अगर हम सोलेनॉइड की बात करें तो ये जो हमारे पास सोलेनॉइड होता है इसमें ये पूछेगा तुमसे हाउ यू कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको कैसे बढ़ाया जाए, तो देखिए कैसे बढ़ाने का पहला तरीका होता है लार्ज टर्न, जितने ज़्यादा तुम्हारे पास टर्न होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही क्या करेगा, ऐड होता चला जाएगा। दूसरा क्या याद रखना है तुम्हें, एयर स्पेसिंग बिटवीन टर्न इज मिनिमम एज पॉसिबल, इज मिनिमम एज पॉसिबल, यानी उसको आप मिनिमम कर दीजिए जितना भी आप चाहते हैं, जितना आपसे पॉसिबल है उतना। नेक्स्ट तीसरी कहानी क्या होगी, इंसर्शन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। अगर हम इसमें सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो इसके अंदर अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर रहे हैं ये, तो इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए और चीजें और समझते हैं इसमें, आइए देखिए और अगर हम बात करें तो इसमें एक और चीज हमारे पास होती है, क्या है वो हमारे पास, कि अगर जनरली हम बात करें तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है किस बात पे, करंट कैरिंग कंडक्टर पे, करंट कितना ज्यादा होगा। दूसरा हमें याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है 1/r² जनरली, ठीक है। लेकिन अगर आप सॉलिड और स्ट्रेट की बात करते हैं, यानी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की और सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर की, तो वो होता है μ0 I/2πr या μ0 I/2r फॉर द करंट कैरिंग कंडक्टर सर्कुलर लूप। तो ये दो बातें याद रखनी है। अब यहां पर तुम्हें एक क्वेश्चन मिलेगा करने को, जैसे स्ट्रेट वायर की बात कर रहे हैं कि स्ट्रेट वायर में क्या होता है, तो स्ट्रेट वायर में तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि जो स्ट्रेट वायर होता है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा क्या होता है, μ0 I/2πr होता है कि नहीं। तो इसमें यह सवाल पूछेगा तुमसे कि ये है, चलो आई करेंट जा रहा है, अब यहां पर तुम्हें 2-3 पॉइंट दे देगा ऐसे, ये R1, R2, R3, X, Y, Z, बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को, मैग्नेटिक फील्ड को अरेंज करिए। तो आप बोलोगे कि R1 छोटा है R2 से और ये छोटा है R3 से, तो बताओ सबसे बड़ा कौन हो जाएगा रिवर्स में,
तो हम लिखेंगे 1 अपॉन आर वन बड़ा होगा 1 अपॉन आर टू से, और ये बड़ा होगा 1 अपॉन आर थ्री से। तो अब हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हम सब में देखो, ये तो सबके लिए कॉन्स्टेंट हो गया, तो जिसका ये ज्यादा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो यहां पे बी एक्स सबसे बड़ा है, बी वाई उससे छोटा है, और बी जेड उससे भी छोटा है। ये तुम लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, म्यू नॉट की वैल्यू याद रखिएगा, म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर। क्या होती है? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक, तो ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। और चलें आगे, देखिए और क्या क्या पढ़ना है हम इसमें। देखिए इसमें एक और चीज याद रखिएगा, सोलेनोइड की अगर हम बात करें, सोलेनोइड, तो ये बात ध्यान रखिएगा, सोलेनोइड में इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मान लो अगर इनसाइड में बी नॉट है, तो यहां एजिस पर कितना हो जाएगा? बी नॉट बाई टू। एजिस पर कितना हो जाएगा बताओ? बी नॉट बाई टू। और हमने क्या बात की है? हमने बात की थी कि हमारा जो बी नॉट होता है, ये लॉन्ग के लिए शॉर्ट के लिए, तो म्यू नॉट एन आई, ये हमने सोलेनोइड के लिए क्या करी है, डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये आपका थ्योरी है जो भी हम लोगों ने इसमें स्टडी किया है। ठीक है, चलिए हम लोग यहीं पर रोक लेते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसी पे जो थोड़ा बहुत बचा हुआ पोर्शन है उसको कर लेंगे। आई होप वैसे बचा कुछ भी नहीं है। अब सीधा हम लोग क्या करेंगे, एएमयू के लास्ट ईयर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।